इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे बिहार के सिवान जंक्शन, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, समस्तीपुर बड़ौनी होकर चलने वाली गोरखपुर से कोलकाता के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन के नए रूट पर हम बात करेंगे। रेलवे की तरफ से ट्रेन नंबर 15048 के साथ चलने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से इस ट्रेन का नया रूट भी जारी किया गया, जिसका अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। यूपी के औरिहार रेलवे स्टेशन के यार्ड व हिसार सादत रेलवे स्टेशन के बीच 12 अगस्त तक होने वाले मॉडिफिकेशन काम को लेकर इस रूट से होकर गुजरने वाली तमाम ट्रेनों के नए रूट से संचालन में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार कई ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। वहीं बिहार के रास्ते चलने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन को नए रूट से चलाने का फैसला लिया गया है। 31 जुलाई यानी कि आज यह ट्रेन गोरखपुर से ट्रेन नंबर 15048 के साथ गोरखपुर से कोलकाता के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज सिवान जंक्शन के रास्ते चलाई जाएगी। हालांकि इसका निर्धारित रूट गोरखपुर से खुलने के बाद सिवान जंक्शन होते हुए छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर बड़ौनी, झाझा, जेसीडी मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान होते हुए यह ट्रेन चलती है। ऐसे में यह ट्रेन 861 किलोमीटर का सफर ट्रेन तय करती है यूपी से बंगाल के बीच वाया बिहार झारखंड के रास्ते। तो ऐसे में इस ट्रेन का जो अपडेट रेलवे की तरफ से दिया गया है, यह जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया। और आने वाले अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ।